देखिए, राहुल भाई ने सही कहा, 30 करोड़ के करीब लोग हैं रविदास के समाज के, लेकिन रविदास जी महाराज सिर्फ रविदासियों के गुरु नहीं हैं, वो जगत गुरु हैं, संत शिरोमणि हैं। वाल्मीकि समाज के लोग भी उनको उतना ही मानते हैं, धानक समाज के भी लोग मानते हैं, जितने बहुजन समाज के लोग हैं। जैसे आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो ना, बाबा साहब अम्बेडकर इन लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर चले, तो ये पूरे देश के लिए एक आस्था का केंद्र है। और आस्था के केंद्र पर जब प्रहार होता है, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं, जैसे इनका राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, इन्होंने खूब लाशें बहाई उनके लिए, बहुत कुछ किया, मतलब इनका भगवान भगवान, हमारा भगवान कुछ नहीं। तो अगर जैसे 21 तारीख को भारत बंद और जंतर मंतर पे जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, अगर ये बात नहीं मानते तो बहुत लोग तो सभ्य भाषा में कहते हैं, मैं सभ्य भाषा में कहता हूँ, इनके गणेश पणेश राम रूम कृष्ण वर्षन सबको जमुना में फेंक के आएंगे और किसी की औकात नहीं है, उसको बचा लेंगे। इस देश से ब्राह्मणवाद का और मनुवाद का सुपड़ा साफ कर देंगे। हमें मजबूर मत करो हथियार उठाने पर। ये लोग चाहते हैं किस देश में खून खराबा हो, ये लोग चाहते हैं कि इस बहुजन समाज के लोग सड़कों पे लाठी और डंडे के साथ उतरे। अरे, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, आप लोग मत हमें उकसाओ। हम लोग चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर सारा काम करें, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे लोग हो, है ना, आपकी समझ में नहीं आता। जब तक बहुजन समाज का आदमी रोड पर नहीं आता, आपकी गाँव तरह जू नहीं रेंगती है, तो आपको समझना पड़ेगा बहुजन समाज के जितने भी लोग देश में हैं कि ये सिर्फ रविदास या समाज का मसला नहीं है। ये टेस्ट करके देख रहे हैं आप लोगों को, ये लगा रहे थर्मामीटर लगा रहे कि किस समाज में कितना करंट है। ये एक साथ है नहीं है। आज मैं बताता हूँ, हम लोग प्रतीक हैं, मैं चूड़ा हूँ, वाल्मीकि समाज से आता हूँ, भाई जाटा समाज से, चमार है, बहुत सारे जो बहुजन समाज की उपजातियों में बांटा है हमें इस मनुवाद ने, आज हम सारे इकट्ठे हैं। हमारे गुरु वाल्मीकि वाल्मीकि नहीं है, हमारे रविदास जी महाराज भी हैं, और भी जितने संत महापुरुष हैं बहुजन समाज में जो जन्मे हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, वो सारे हमारे आइडियल हैं। कि इन मनुवादियों के जैसे 2 अप्रैल में छक्के छूट गए थे ना, ये तो छक्के छूटने शुरू हो गए इनके। अभी मेरी राहुल भाई से बात चल रही थी, इनके पास खूब बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि यार तुम लोग सारे के सारे इस आंदोलन में इकट्ठे उतर गए। और एक और बात कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को, समाज के लोगों, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग किसी किसी पार्टी के एजेंट हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। एक छोटे से शेर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि समझ हर फरेब को और धोखा खाए जा, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे, 21 तारीख के बाद पता चल जाएगा जिनकी मौजूदगी में मंदिर तोड़ा गया उन लोगों ने क्या किया, उनसे सवाल भी पूछा जाएगा। तो सारे इकट्ठे हो जाओ, 19 तारीख को दिल्ली बंद कर देनी है, जाम करनी है। वाल्मीकि समाज से अपील करता हूँ, रविदास समाज से अपील करता हूँ, ये दिन दूर नहीं है जब ये तुम्हारे मंदिर पर, तुम्हारे भगवानों पर, तुम्हारे गुरु घरों पर हमला कर सकते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी घर की बहन बेटियों को घर में घुस घुस के ये लोग बलात्कार करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे। आपको समझना पड़ेगा ये किस मानसिकता के लोग हैं। और मानसिकता की बात कहूं तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि अब तो शादियां कश्मीर से करेंगे। अरे, अपनी बहन बेटियां देना कब शुरू करोगे बहुजन समाज के लोगों को? भाईचारा तो जब बनेगा, और हम डरने वाले नहीं है। जय भीम, जय काशी राम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।